नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं लेकिन अभी कुछ महीने बाकी है, फिर भी जुबानी जंग जबरदस्त है। वहां पर तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्य में परिवहन मंत्री रह चुके मदन मित्रा ने हावड़ा में विवादास्पद बयान दिया है। बीजेपी के 200 सीट जीतने के दावे के बारे में सवाल पूछे जाने पर मदन मित्रा भड़क गए और विवादास्पद बयान दे दिया। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीर देंगे। बस एक साथ रहिए, हम सब हैं, हम इकट्ठे हैं और हर जो समीक्षा हो रहे हैं पूरा से पूरा बोल रहे हैं कि तृणमूल आ रहे हैं। टीएमसी नेता मदन मित्रा के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने जवाब दिया कि टीएमसी को चुनाव आने पर पता चल जाएगा। नहीं, कौन किसको चीरेगा, वो सब डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी सब, यहाँ की समाज इनसे इतना नाराज है, समय आने पर सब हिसाब हो जाएगा। जो रास्ता में उतर करके इस प्रकार नारा लगाते हैं, दूसरे को ईंटा पत्थर बम मारते हैं, पूरा कानून व्यवस्था टूट चुकी है, लोगों की सुरक्षा नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं है, तो लोग इससे निजात पाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा की तरफ आ रहे हैं, इससे बौखला करके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीर देंगे। बस एक साथ रहिए, हम सब हैं, हम इकट्ठे हैं और हर जो समीक्षा हो रहे हैं पूरा से पूरा बोल रहे हैं कि तृणमूल आ रहे हैं। बंगाल में चुनाव आने में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन किस तरह से राजनीतिक हिंसा का दौर एक तरफ जारी है, और हो भी क्यों ना, मदन मित्रा जैसे अगर नेता इस तरह के बयान चीरने के वाले देंगे तो फिर कैसे उनके कार्यकर्ता नहीं भड़केंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से विक्रांत यादव, कोलकाता से आशिका सिंह जुड़ रहे हैं। आशिका, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ये हमने नारा तो सुना था, लेकिन क्या मदन मित्रा बंगाल में विधानसभा चुनाव को भारत पाकिस्तान के युद्ध की तरह देख रहे हैं, जो इस जुमले को वो यहां फिट कर रहे हैं? देखिए, ये जुमला ना सिर्फ उन्होंने दिया बल्कि इस पर वो कायम भी हैं। आज जब हमने उनसे सवाल पूछा तब भी उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर कायम हूँ, और उल्टा आरोप बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, हिंसा भड़काने का काम करती है। तो टीएमसी बीजेपी के जो नेता हैं आपस में, उनका जो ये विवाद है वो नहीं रुक रहा है। चुनाव को अभी भले ही समय बाकी हो, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के नेता दोनों ही बेलगाम होते जा रहे हैं। प्रीति जी, और विवादास्पद बयान पर विवाद बढ़ने के बाद टीएमसी नेता मदन मित्रा सामने आए और अपनी सफाई उन्होंने क्या दी, एक बार फिर से सुन लीजिए। कांग्रेस नेता मदन मित्रा हमारे साथ हैं। दादा, कल आपने एक बयान दिया था कि मैं अकबर हूँ, मेरे साथ जोधा बाई रहती हैं और बीजेपी के साथ सीबीआई रहती है, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे, क्या बात थी पूरी? बात यह है कि ये बीजेपी वालों को मालूम नहीं, वो तो राम को बेचते हैं ना, तो उसका ख्याल में है कि इधर में लाभ जहाज चलेगा, ये बंगाल है, ये एंटी रोमियो स्क्वाड इधर में नहीं चलेगा, लड़ाई का नाम है सिख, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, बीजेपी शायद भूल गए हैं। तो वो उसका ये ख्याल है, हम जो चाहते हैं ले लेंगे। दिलीप घोष ने कहा है कि समय आने पर हिसाब हो जाएगा कौन किसको चीरेगा। देखिए, ये तो सही बात बताया, क्योंकि वो तो होना ही है, कौन किसको चीरेगा तो समय बताएगा, टाइम विल आंसर ऑल द क्वेश्चन। और चीर देंगे माने, हम तो ये नहीं जे हम कसाई है कि चीर देंगे, ये जनता को थप्पड़ उसको चीर देंगे। तो
मदन मित्रा से जब इस बारे में बात की गई कि उन्होंने क्या बयान दे दिया, तो आपने सुना उन्होंने कहा मेरा मतलब ये नहीं था कि चीर देंगे, मेरा सीधे मतलब ये था कि बंगाल की जनता थप्पड़ मारेगी बीजेपी को अपने वोट के जरिए। तो फिर ये भी तो भाषा इस्तेमाल की जा सकती थी, इस तरह की हिंसात्मक भाषा का इस्तेमाल क्या मंशा नजर आती है टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर्मचारी का नाते काम करें? अगर आप नंदीग्राम से प्रार्थी होते हैं वो भाजपा का डिसीजन लेने दीजिए, तो इतना जल्दीबाजी के कोई सवाल नहीं। जो कमल का प्रार्थी होगा उसका वहाँ से जिताना का जिम्मेदार शुभेंदु अधिकारी है। क्या दीदी डर गई है इसीलिए दो सीट से चुनाव लड़ रही है? अरे दीदी का पास तो 62,000 का ऊपर डिपेंड करते हुए खड़ा होने का बात बोला, मेरा पास तो 2,13,000 है जो जय श्री राम बोलता है। उन्होंने उस रैली में बोला नंदीग्राम में जय श्री राम नहीं चलेगा, उसका प्रेसिडेंट सुब्रत बोक्सी उन्होंने बोला जय श्री राम नहीं चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। वो जो इस तरह का नारा देते हैं उसका नंदीग्राम का लोग जब चुनाव आएगा मुंह तोड़ जवाब वोट का मशीन में देगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी खुद नेताजी का फाइल के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं नेताजी जयंती के ऊपर पराक्रम दिवस उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और नेताजी को लेकर प्रधानमंत्री जी भी उसका इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसमें कुछ राजनीति नहीं होना चाहिए। कौन सा लीडर टीएमसी का लीडर दे रहा है कि ये हमारा भारतवर्ष का गर्व है, सबको जानना चाहिए। नेताजी का जो फाइल के जो विषय है वो नरेंद्र मोदी स्वयं देख रहे हैं। बार बार टीएमसी जान गया है 2021 में सरकार नहीं आएगा, इसलिए मारपीट दंगाबाजी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके खुद उनका पावर से नीचे से माटी पूरा चला गया है। भैया खोल दीजिए। नेता के प्रतीक सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस पर मनाने को लेकर क्या अब टीएमसी भी इसमें कोई खोट न देख रही है? आशिका चलिए लग रहा है उनका आवाज नहीं पहुंच पा रही है। को लेकर के ये जो सियासत है ये नेताजी को लेकर के ये जो सियासत है ये लंबे समय से चल रही है। लगातार ममता ने जो ये एक कमेटी का गठन किया, उसके बाद केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया जिसका जिम्मा गृहमंत्री ने खुद संभाला, और अब जब 23 तारीख को नेताजी की 125वीं जयंती है, प्रधानमंत्री कोलकाता आ रहे हैं, बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, विक्टोरिया मेमोरियल पे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसके अलावा उसी दिन संभव है कि ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरेंगी, रैली निकालेंगी। तो एक तरफ जो ट्रेन कालका मेल का नाम बदल करके नेताजी के नाम पर रखा गया है उस पर भी तृणमूल की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इसके पहले भी देखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, जो भी मनीषी हैं, जो भी महान नाम हैं पश्चिम बंगाल के, उनको लेकर के भी राजनीति हुई है। टीएमसी बीजेपी के नेताओं के बीच में जंग चली है कि ये किसके हैं, कहीं न कहीं नेताजी को लेकर के भी ये लड़ाई उसी तरह से सामने आ रही है कि टीएमसी के नेताजी या फिर बीजेपी के नेताजी। जी, और इस पर तो सियासत आगे भी चुनाव तक देखने को जरूर मिलेगी। इधर मदन मित्रा के अपने बयान पर कायम रहने के बाद बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने टीएमसी नेताओं में बौखलाहट इसको बता दिया है। भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया हमारे साथ हैं। कल तृणमूल कांग्रेस की रैली ठीक उसी रूट पर जहां पर आपकी परसों रैली थी जिसमें हिंसा हुई थी, उसमें नारे लगाए गए हैं कि बंगाल के गद्दारों को गोली मारो, ये किसके लिए था? शुभेंदु अधिकारी के लिए, और अगर था तो क्या कहेंगे? ये जो तुच्छ राजनीति है और ये जो स्लोगन जो कल इन्होंने उठाया ये बंगाल के जनता के खिलाफ है, ये किसी भाजपा ये हमारे किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। ये भूल गए हैं, इनको लगता है कि यहाँ पर एक नायक तंत्र है, अब ये आ गए हैं अब ये निकलेंगे नहीं। देखिए जनता ही फैसला करता है कौन आता है कौन जाता है। ये इस ढंग की जो स्लोगन है ये सीधे सीधे जनता
जो यहाँ पश्चिम बंगाल की जनता है उसका अनादर है, उसके खिलाफ ये स्लोगन है। ये शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से लड़ रहे हैं, ममता भी लड़ रही हैं, ये कहीं इसके लिए वजह से बौखलाहट तो नहीं? देखिए, ममता बनर्जी महोदया वो अपने दल की सर्वे सर्वा हैं, वो मंच से घोषणा कर दी कि मैं प्रार्थी हूँ, हो ही सकता है। देखिए, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके दो शेयर होल्डर हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मालिक हैं भाई। हमारे दल में ये फैसला हमारा नेतृत्व लेगा, जिसमें कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो फाइनल फैसला होगा। उगली की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का रोड शो चल रहा है और किस तरह से शुभेंदु अधिकारी इसको लीड कर रहे हैं। लोकेट चटर्जी भी इस पूरे उसमें नजर आ रही थी, और साथ ही साथ एक तय रणनीति के तहत बीजेपी अलग अलग हिस्सों में पश्चिम बंगाल के वहां पर नजर आ रही है रोड शो के जरिए। लेकिन इतना जरूर है कि जहां जहां बीजेपी का रोड शो जा रहा है वहां वहां पर कोई ना कोई ऐसी हरकत की जा रही है ताकि इस रोड शो को प्रभावित किया जा सके। और आपको याद होगा दो दिन पहले जो कलकत्ता में भी रोड शो हुआ था उसमें भी किस तरह सा हुड़दंग मचाया गया था कुछ अराजक तत्वों के जरिए, लेकिन फिर भी पूरी शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी ने अपने उस रोड शो को समाप्त किया था। और बंगाल के हुगली से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पर बीजेपी का रोड शो चल रहा है। इधर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मदन मित्रा के बयान को गलत बता दिया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। गोली मारो ये स्लोगन हम अप्रूव नहीं करते, हम पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग स्पॉन्टेनियसली दिया होगा, और वो भी देख रहे हैं कि अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्र के मंत्री हैं वो ओपन मीटिंग में डायस में खड़ा होकर ये स्लोगन दिए थे, लेकिन उसको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो तब लोग समझते हैं कि स्लोगन देना खराब नहीं है, नहीं तो अनुराग सिंह ठाकुर को तो नौकरी चला जाता। और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी और मदन मित्रा पर हमला बोला, उन्होंने दावा किया कि बंगाल में ममता को बीजेपी से डर लग रहा है। टीएमसी के नेताओं की दिक्कत और दुश्वारियां ये है कि वो कहीं की भी नारे जो है वो कहीं भी चिपका देते हैं। देश में कुछ नेता हैं जो तुकबंदी वाले, फिल्मी डायलॉग वाले, तो वही से टीएमसी वाले हो गए हैं, वो तुकबंदी कर रहे हैं, बंगाल मारेंगे तो चीर देंगे। अरे बंगाल की जनता को तो चीरा ही है आपने, बंगाल के अंदर जो चुनाव जीता उसकी हत्या की, उसको चीर दिया, लाश को काट दिया, घर जला दिए, तो ये तो उनका स्वभाव है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल पर, बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर्यवेक्षकों के साथ आज शाम 7 बजे बैठक करेंगे। बंगाल चुनाव पर होने वाली ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है, और जिस तरह का सियासी पारा इस वक्त पश्चिम बंगाल में बरकरार है ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बार बार कैंपेनिंग जो की जा रही है बीजेपी के जरिए इस पूरे चुनाव प्रचार में कोई ना कोई ऐसा विघ्न खलल बाधा डालने की कोशिश जरूर कुछ तत्वों के जरिए की जा रही है। इसका सीधा आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर्यवेक्षकों के साथ आज शाम 7 बजे बैठक करने वाले हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विक्रांत किन मायनों में अहम है आज शाम 7 बजे होने वाली ये बैठक? देखिए, बीजेपी मुख्यालय में शाम को 7 बजे बैठक होगी, और क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बीजेपी ने की थी और उन पर्यवेक्षकों को विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, 40 से 45 सीटें एक एक पर्यवेक्षक को दी गई थी, तो किस तरीके का उनका जमीनी आकलन है, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर जाने पर पता चली हैं, और किस तरीके की पार्टी को अब नई तैयारियाँ, कुछ अगर नई ज़रूरतें हैं, नई तैयारियाँ हैं, उन सब चीज़ों को लिए एक समीक्षा बैठक की जाएगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे, और बैठक का उद्देश्य यही है कि अभी तक जो जमीनी काम वहां पर पार्टी के पर्यवेक्षकों ने किया है, राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर जा करके वहां पर किस तरीके के हालात का आकलन हुआ है, क्या क्या जरूरतें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से चाहिए, तो उन्हीं सब चीजों पर एक समीक्षा होगी। और क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसलिए की गई थी कि वो वहां पर जाकर के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिलकर के, राज्य के नेताओं के साथ मिलकर के, और जो सीट पर प्रमुख नेता और बाकी प्रबुद्ध लोग हैं उन सभी से मुलाकात करके एक आकलन बना
बनाए और हर सीट के बारे में पार्टी नेतृत्व को जानकारी दे। तो उसी की एक समीक्षा बैठक है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी के महासचिव भी हैं और प्रभारी भी हैं पश्चिम बंगाल के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अच्छा, एक और बात विक्रांत, अहम है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। चुनाव तो विधानसभा के बीते दिनों में कई जगह हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते एक महीने के भीतर ही चुनाव है, इतनी ज्यादा तपिश है। ऐसे में बीजेपी हर अपनी रणनीति को एक बार फिर से विचार करेगी। आवाज नहीं आ रही विक्रांत, चलिए लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से आपको यह महत्वपूर्ण खबर बता दें। दरअसल पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर, जहां पर जानकारी आ रही है कि पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर्यवेक्षकों के साथ आज शाम 7 बजे बैठक करने वाले हैं। बंगाल चुनाव पर होने वाली ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, और जैसा विक्रांत बता रहे थे कि पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने द्वारा जो आपको निर्धारित की गई सीटें हैं उन पर एक रिपोर्ट कार्ड, एक असेसमेंट दें कि आप कितनी ज्यादा तैयारी के साथ उस पर बढ़ चुके हैं और कितना और आपको काम करना बाकी है। बंगाल चुनाव पर बीजेपी की बैठक शाम 7 बजे, महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जेपी नड्डा के साथ। ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट देंगे। क्या लगता है सर, ब्लॉक लेवल बूथ लेवल पर कितनी मजबूत हुई है भाजपा बंगाल में? बहुत मजबूत हुई है, लगभग 78,000 पोलिंग बूथ में से लगभग 60,000 पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता बन गए हैं, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हम लगभग 70,000 पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता होंगे और चुनाव हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सर, ये जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में आज क्या कुछ नतीजा निकलेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इससे पहले भी आप लोगों ने बैठक की थी अमित शाह के निवास पर। देखिए, हम हमेशा अमित शाह जी से और नड्डा जी से मार्गदर्शन लेते रहते हैं कि भविष्य की योजना किस प्रकार चुनाव में बनाना, और जो वहाँ पर हम काम करते हैं उसकी गतिविधियों के बारे में भी उनसे उनको अवगत कराते रहते हैं। सर, शांतिपुर के विधायक है, टीएमसी विधायक, उनकी ज्वाइनिंग की खबरें चल रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप कि ज्वाइनिंग होगी आज? आ सकते हैं वो, क्योंकि वो कांग्रेस से जीते हैं, टीएमसी में गए थे, पर टीएमसी की जो भ्रष्टाचार की नीति है, जो माफिया के हाथ में उन्होंने सरकार को सौंप दिया है, उससे वो काफ़ी नाराज हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी सद्भावना है और मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। सर, इससे पहले भी आपका वक्तव्य सुना था, काफ़ी विधायकों के बारे में आपने कहा कि वो आना चाहेंगे तो उनके लिए स्वागत है, कुछ बताना चाहेंगे कि और कितने विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं आगामी चुनाव से पहले? काफ़ी विधायक आना चाहते हैं, पर हम उन्हीं को लेंगे जो ममता जी के भाइकों के कोल माफियाओं के साथ संलग्न नहीं हो, जो गाय तस्करी में संलग्न नहीं हो, जो गोल्ड तस्करी में संलग्न नहीं हो, जो अवैध गतिविधियां और सिंडिकेट राज में नहीं हो, उनको ही लेंगे, हम हर किसी को नहीं लेंगे। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी चुनौती दे रही हैं, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, एक बड़ी बात है, वो हमेशा कालीघाट से चुनाव लड़ती आई हैं, तो क्या लगता है सर आपको कि इस बार ममता बनर्जी खुद फ्रंट फुट पर आकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हैं, ऐसे में भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं, कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनकी ज़मीन खिसक गई, वो घबरा के भवानीपुर से नंदीग्राम की तरफ जा रही है, और वो ये सोच रही है कि नंदीग्राम में अल्पसंख्यक वोट है तो वो मुझे वोट देंगे। मुझे विश्वास है कि नंदीग्राम की जनता को उन्होंने धोखा दिया है, जब गोली चलाने वाले उन सारे अधिकारी जिनको कि उन्होंने कहा था मैं फांसी पर लटकाऊंगी, उनको प्राइस पोस्टिंग दी, और यहाँ तक कि एक को तो अपने ऑफिस में OSD बना के रखा रिटायरमेंट के बाद भी, तो जब गोली चलाने वाले अधिकारियों को वो संरक्षण दे रही है, और यह बात नंदीग्राम की जनता को मालूम है, और इसलिए नंदीग्राम की जनता उनसे बहुत नाराज़ है, और चुनाव में इसका परिणाम भी दिखाई देगा। बिल्कुल, तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाल के नतीजे किस ओर जाते हैं, मगर भाजपा का कहना है कि वो पूरी तरीके से मजबूत है और ममता बनर्जी की TMC गवर्नमेंट को टक्कर देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रवि मिश्रा, News 18 नई दिल्ली। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, जिन पर बड़ा दारुमदार है इस बार पश्चिम बंगाल में, और वो हर उस जगह पर नजर आते हैं जहां पर बीजेपी को मजबूती दी जा सके। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी और TMC में तकरार बढ़ती जा रही है। बंगाल में आलम यह हो गया है कि आए दिन हिंसा की खबरें आ रही हैं,
बीजेपी बंगाल में हिंसा के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को जिम्मेदार ठहराई है। वहीं बंगाल में हिंसा की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी के रोड शो के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विवादास्पद नारेबाजी की है, तो मेदिनीपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। ऐसी तस्वीरें बंगाल के बर्धमान से भी सामने आई है, जिसके बाद बीजेपी ने हमले के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। कोलकाता में हुई टीएमसी की रैली में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी निशाने पर रहे। 3 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने वहां ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए एक रोड शो किया था, और जब उनके 1 दिन बाद टीएमसी ने रैली निकाली तो कार्यकर्ताओं में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ गुस्सा साफ दिखा। रैली में शामिल हुए कुछ लोगों ने तो विवादास्पद नारे लगाने भी शुरू कर दिए। शुभेंदु का नाम लिए बिना उन्हें गद्दार तक कह दिया। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी को दम दिखाने के लिए उनके गढ़ नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने रैली की थी और नंदीग्राम से अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ये जो नारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं आशिका, इस पर बीजेपी क्या कह रही है? देखिए, मैं आपको ये खबर बता दूं कि अभी अभी जो शुभेंदु अधिकारी की रैली हुगली में चल रही है, उसमें भी यही नारे सुनने को सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है बदले की, उसमें अगर एक पार्टी के बोल बिगड़ते हैं, एक नेता के बोल बिगड़ते हैं, तो दूसरी तरफ से भी जवाब देने में देर नहीं लग रही है प्रीति। तो यही नारे, विवादास्पद नारे पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी और बीजेपी दोनों की रैलियों में सुनाई दे रहे हैं जी। और दो तस्वीरें दिखा रहे हैं बंगाल की। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, अरिंदम बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी को एक और फायदा होता हुआ, टीएमसी के विधायक अरिंदम शामिल होंगे बीजेपी में। और अभी आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय से हमारे संवाददाता यही सवाल भी कर रहे थे कि क्या ये विधायक शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। अरिंदम भट्टाचार्य टीएमसी से विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, तो टीएमसी के लिए एक और बड़ा झटका। और ये झटका अब आप देखिए, एक सिलसिला चल पड़ा है बीजेपी में शामिल होने के लिए। टीएमसी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक छोड़कर शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, और ऐसा कहा जा रहा है कि एक नाराजगी है पार्टी के प्रति। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, इनकी भी क्या वही मिलती जुलती दलील है जो बाकी सांसद, पूर्व मंत्री या फिर विधायक देते रहे हैं पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की? बिल्कुल, अभी हमें जो जानकारी मिल रही है 4:30 बजे के करीब ये ज्वाइनिंग होगी, बीजेपी मुख्यालय में ही ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और सिटिंग एमएलए हैं टीएमसी के, तो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी है। हालांकि क्या कारण वो बताते हैं, उनसे बिल्कुल जानने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तेजी से बीजेपी में टीएमसी के नेता और सिटिंग एमएलए और सिटिंग एमपी आ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो टीएमसी के लिए एक बड़ी खतरे की बात है। क्योंकि किसी भी पार्टी की, वो सत्ताधारी दल, अगर उसके विधायक और सांसद चुनाव से पहले दूसरी विपक्षी दल में जाने लगे और इतने बड़े पैमाने पर जाने लगे, तो पार्टी के लिए एक बड़ी खतरे की बात है। लेकिन ये भट्टाचार्य कांग्रेस के टिकट पर 2016 में चुनाव जीते थे, फिर टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी से ऐसी कौन सी नाराजगी रही जैसा पहले हम देख रहे हैं? क्या उसी तरह की नाराजगी को वो भी गिना रहे हैं कि अब नहीं कुछ बचा है इस टीएमसी में, बेहतर है चुनाव से पहले बीजेपी चला जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है और उसको देखते हुए टीएमसी के कई नेताओं का ये मानना है कि इस बार हो सकता है कि उनका टिकट भी कट जाए, या फिर उनको बेहतर एक प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है कि राज्य में जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है उसमें उसको देखते हुए वो टीएमसी के साथ नहीं रहना चाहते। और कई नेताओं का ये भी आरोप है कि टीएमसी अब 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है जो पूरी तरीके से उसमें फैसला लेते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था पार्टी में नहीं बची है, वो अपनी बात पार्टी नेतृत्व तक नहीं कह पा रहे हैं। तो इसी कारण कई नेताओं की नाराजगी का सबसे बड़ी वजह भी यही निकल करके सामने आई है। तो अरिंदम भट्टाचार्य भी टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और नई दिल्ली में अभी उनका औपचारिक जो शामिल होने का कार्यक्रम है वो भी होगा, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त 2 तस्वीरें और दिखाते हैं जो बंगाल की ही हैं। पहली तस्वीर बंगाल के बर्धमान की है, जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर मेदिनीपुर की है, जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान भिड़ गए हैं। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा के लिए टीएमसी पर आरोप लगाया है,
और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। एक के बाद एक कई हिंसक वारदातों ने वहां का चुनावी माहौल बिगाड़ दिया है। हिंसक झड़प में कई कार्यकर्ताओं की जान जा रही है, जिसके लिए बीजेपी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बंगाल में चुनाव से पहले खूनी संग्राम, सियासी घमासान में हिंसा की चाल, बीजेपी टीएमसी आमने सामने, सत्ता की लड़ाई में जाएंगी और कितनी जान। बंगाल में चुनावी हिंसा तेज होती जा रही है। पिछले कुछ वक्त पर नजर डालें तो शायद ही ऐसा कोई हफ्ता गुजरता हो जब राजनीतिक हिंसा की कोई खबर पश्चिम बंगाल से न आती हो। हैरत तब और बढ़ जाती है जब केंद्र से बंगाल पहुंचे बड़े नेताओं के काफिले और रैलियों पर सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद हमला हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही घटनाओं के बीच ये तीन तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि चुनाव से पहले बंगाल का माहौल कैसा है। राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने की लड़ाई में इस कदर आपस में भिड़ चुकी हैं कि उनकी लड़ाई अब गलियों और सड़कों पर हिंसा फैलाने तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल से मई के बीच में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के पहले ही राजनीतिक हिंसा भड़क उठी है। चाहे कोलकाता हो, चाहे मिदनापुर हो या दिनाजपुर, सभी जगह बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले दिन में चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल की खूनी राजनीति क्या तस्वीर दिखाती है। टीएमसी के दो कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। राजनीतिक हिंसा का माहौल ऐसा हो गया कि रूह कांप उठे। ये तृणमूल की ये पूरी साजिश है। मेरे पास वीडियो है जिसमें दिख रहा है तृणमूल कांग्रेस के नेता जो कभी जिला परिषद के कर्माध्यक्ष थे, उन्हें काली सरकार जिसे कालिया नाम से वहाँ पे कुख्यात है, उन्होंने गोली चलाई है। और ये तृणमूल कांग्रेस की देन है बंगाल को कि गुंडे नेता बन गए हैं। तृणमूल की वो जो रिजिम है, इस रिजिम में जो गुंडे हैं वो गुंडे अभी तृणमूल कांग्रेस के नेता बन गए हैं। तो वहीं बर्धमान जिले में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता ऐसे भिड़े कि बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की जान पर बनाई। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बस स्टैंड पर खड़े बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं पर हमला किया और वहां बम भी फेंके गए, साथ ही गोलियां भी चली। जख्मी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हालत बिगड़ी तो उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। टीएमसी पर हमलावर बीजेपी। बंगाल में सियासत काफी तीखी होती जा रही है। हिंसा के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है, जिसके लिए बीजेपी ममता की पार्टी टीएमसी पर आरोप लगा रही है और अपने चुनावी अभियान को धार दे रही है। ममता जी की वहाँ उनके पाँव के नीचे से बंगाल की धरती खिसक चुकी है और वो बौखलाहट में है। वो खुद भी बौखलाहट में है और टीएमसी खुद बौखलाहट में है। 200 सीटों से ज़्यादा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत कर दिया है। उधर टीएमसी के भी तेवर तीखे हैं और वो खुलेआम शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए सभी लोगों के लिए गोली मारने के नारे लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। हिंसक राजनीतिक माहौल का आलम यह है कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। मेदिनीपुर के कांथी थाने में जब दोनों विरोधी पार्टियों का आमना सामना हुआ तो राज्य में हो रही हिंसा के लिए दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बार! 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 बार!
बंगाल में लगातार हो रही सियासी हिंसक वारदातों पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। राज्यपाल भी कई बार सियासी माहौल पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार पर निशाना साध चुके हैं। इसके बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा की वजह से बिगड़े राजनीतिक माहौल के बीच देश की दूसरी पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप करने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। देखिए, ये हताशा है, वो समझ में आ गया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन बची नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग की टीम भी पश्चिम बंगाल में दौरा करके चुनाव को 4 मई तक पूरा कराने की कोशिश में जुटी है, लेकिन जिस तरह से हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ममता सरकार पर सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि चुनावी माहौल को संभालने में ममता सरकार नाकाम हो रही है। वहीं चिंता इस बात की भी है कि अगर हिंसा पर जल्द लगाम नहीं लगी तो न जाने कितने लोगों को चुनाव के नाम पर अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया है कि टीएमसी हार के डर से बौखलाहट में है। ममता जी की वहाँ उनके पांव के नीचे से बंगाल की धरती खिसक चुकी है और वो बौखलाहट में है। वो खुद भी बौखलाहट में है और टीएमसी खुद बौखलाहट में है। 200 सीटों से ज़्यादा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। बीजेपी के आरोप का बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जवाब दिया और बंगाल में चुनाव आते ही बीजेपी को बंगाल याद आता है ये कह दिया। पहले तो बोला था सब फाइल देंगे, उसका बात तो आधा दिया आधा नहीं दिया। चुनाव आते हैं तो बंगाल को नाम याद आता है, चुनाव चला जाता है तो बंगाल को भूल जाता है। अरे बंगला बोलते पड़ेगा, बोले बंगाल। और आइए आगे बढ़ते हैं, अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर जारी बवाल से जुड़ी खबर आपको पहुंचाते हैं। देवी देवताओं के अपमान का मामला है, वो तो देश के किसी भी आदमी को करने की इजाजत नहीं है। हमारी श्रद्धा पर ये बहुत बड़ा गहरा प्रहार है। क्यों नहीं कानून बना देते देश में, क्यों नियंत्रित नहीं करते? अब इस राजनीति में चाणक्य नीति लानी पड़ेगी। वेब सीरीज तांडव से जुड़ी खबर आइए आपको दिखा देते हैं। न्यूज 18 के पास हमारे सहयोगी पारस दामा की यह खबर है। वेब सीरीज से आपत्तिजनक सीन हटा दिए गए हैं। बढ़ते विवाद के बाद वेब सीरीज के मेकर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वेब सीरीज के कुछ हिस्से पर धर्म के अपमान का आरोप था और ये कहा जा रहा है कि अब उन सीन को हटा लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये जो कि हमारे सहयोगी दे रहे हैं पारस। पारस दामा की खबर के मुताबिक वेब सीरीज से आपत्तिजनक सीन हटा लिए गए हैं। बढ़ते विवाद के बाद वेब सीरीज के मेकर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वेब सीरीज के कुछ हिस्से पर धर्म के अपमान का आरोप था। और वेब सीरीज तांडव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस तांडव वेब सीरीज मामले में एफआईआर दर्ज करा रही है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज हो रही है। बीजेपी नेता राम कदम भी घाटकोपर पुलिस थाने के अंदर मौजूद हैं। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। बता दें कि सबसे पहले राम कदम ने ही इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। वैसे तो राम कदम को आज सुबह 11 बजे सैफ अली खान के घर जाने की कार्यक्रम के तहत जानकारी मिल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें एफआईआर की जानकारी मिली वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही राम कदम सैफ के घर जाएंगे। अब हिंदू संयम नहीं बरतेगा, हिंदू अब सड़क पे उतर करके तांडव करेगा। बहुत हो गया, हमने बहुत बार माफ़ी मांगने के बाद हम चुप बैठे। अब माफ़ी नहीं, अब गिरफ्तारी हो। माफ़ी और दृश्यों को बदल करके हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सोच समझ करके साजिश की गई है। ये ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए हमारे श्रद्धा पर कड़ा प्रहार किया है और इस प्रहार की हम निंदा करते हैं और इसके लिए जेल के सलाखों के पीछे ये जब तक नहीं जाते तब तक अभी हिंदू भाई रुकेगा नहीं, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। और वैसे एफआईआर दर्ज होने से पहले राम कदम की मौजूदगी में घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने तांडव से जुड़े पोस्टर जलाए गए हैं। राम कदम के समर्थकों ने वेब सीरीज को लेकर अपनी नाराजगी जताने के लिए पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वेब सीरीज के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र सरकार से ओटीटी से जुड़े कानून बनाने की मांग की।
हमारे साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी लगातार उस पर दबाव बना रही तांडव मूवी और वेब सीरीज को लेकर के, सरकार क्या एक्शन प्लान कर रही है और किस तरीके से इस पर आगे कार्रवाई करेगी? सर, उनकी हमारे तरफ कंप्लेंट आई है उसके बारे में, उसमें जो भी कानूनन हम कर सकते हैं उस हिसाब से कानूनन कार्रवाई करेंगे। एक सवाल यह है कि यूपी पुलिस चूंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है, तो किस तरीके से उसको सहयोग मिलेगा और क्या पहले से बताया गया कि एक FIR वहाँ पे भी दाखिल हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसका हम पूरा सहकार्य करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से गृहमंत्री कह रहे हैं कि पूरा सहकार्य करेंगे। FIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राम कदम अपने समर्थकों के साथ सैफ अली खान के घर के लिए रवाना होंगे। चूंकि राम कदम ने सुबह सुबह ऐलान किया था कि वो सैफ के घर जाकर उनसे अपने सवालों के जवाब पूछेंगे, इसलिए सैफ अली के घर के बाहर मुंबई पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। तांडव वेब सीरीज को लेकर जो मामला है वो दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रहा है, साथ ही साथ जो यूपी पुलिस है वो भी वहाँ पे पहुंच चुकी है और वो किसी भी वक्त इस केस की कार्रवाई शुरू कर सकती है। आज हम खड़े हैं सैफ अली खान के घर के बाहर, जहाँ देख सकते हैं पुलिस वैन खड़ी है, साथ ही साथ बिल्डिंग के अंदर कुछ पुलिस कॉन्स्टेबल भी मौजूद है। जैसे कि आज सुबह ही राम कदम ने ट्वीट के जरिए लोगों को ये कहा कि हो सकता है आज वो सैफ अली खान के घर के बाहर धरना बोले, क्योंकि उनका मानना ये है कि सैफ अली खान इतने बड़े अभिनेता है, वो ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ के उस वेब सीरीज को करने तैयार कैसे हो सकते हैं, तो किसी भी वक्त राम कदम यहाँ आ सकते हैं और धरना शुरू कर सकते हैं। सुबह सुबह राम कदम ने वेब सीरीज को लेकर सैफ से सवाल किए। राम कदम ने अपने समर्थकों से सैफ अली खान के घर पर पहुंचने को कहा। उन्होंने ट्वीट किया, सभी देशवासी राम भक्तों और शिव भक्तों, चलो चलो सैफ अली खान के निवास पर। सैफ अली खान वेब सीरीज तांडव की स्क्रिप्ट सुनते वक्त वेब सीरीज में देवी देवताओं, हिंदू धर्म से जुड़े अपमानजनक शब्दों व दृश्यों का हिस्सा भी आपके सामने आया, तब आपने खामोशी क्यों रखी? क्यों नहीं निर्माताओं को रोका? क्या आपका भी सीरीज में दिखाए गए अपमानजनक दृश्यों डायलॉग को समर्थन था? यही विरोध था तो आपने समाज बांटने वाले लोगों के साथ काम क्यों किया? सैफ अली खान, आप प्रतिभाशाली और देश के सम्मानित कलाकार हो, पर आपके अतीत में दिए गए बयान हमें इन सवालों को पूछने के लिए मजबूर करते हैं। आपको इन सवालों का जवाब तत्काल देना होगा। अब आपके निवास पर आकर इन सवालों को पूछना हमारी मजबूरी है। देश को जवाब दीजिए या हमारे स्वागत के लिए तैयार रहिए। उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुनी, ये विवादित दृश्य सुना, तो सैफ अली खान ने उसे रोका क्यों नहीं? क्या उनका समर्थन था या उनका विरोध था? अगर विरोध था तो उन्होंने काम क्यों किया? और इस बात का सैफ अली खान को जवाब देना होगा। यदि जवाब नहीं देते तो राम भक्त और शिव भक्त उनके निवास पर आएंगे, उनका स्वागत की तैयारी करें। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है, और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अशर ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिनों में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बच्चे चाहे तो देश बदल दे, बच्चे चाहे तो नदी की धारा को मोड़ दे, ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए एक ऐसी बच्ची जो सिर्फ 9 साल की है लेकिन भारत की अगली उड़न परी बनने की कोशिश में है। ये बच्ची 2028 ओलंपिक की तैयारी में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। राजस्थान के जोधपुर के गांव में रहने वाली पूजा बिश्नोई 9 साल की उम्र में 6-pack abs बनाने वाली पहली एशियाई लड़की है। पूजा अंडर 10 कैटेगरी में सिर्फ 12 मिनट 50 सेकेंड में 3 किलोमीटर दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इसके अलावा अंडर 10 में ही 48 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पूजा के नाम है। 23 जनवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए जब एक स्टार खिलाड़ी पूजा का दम देखकर हैरान रह गया। जरूर देखें बायजूस यंग जीनियस।